देखिए पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था और अभी कुछ इस प्रकार से है। ओके दोस्तों, जैसे कि अभी आपने फोटोज में लाइटिंग इफेक्ट को देखा, देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। लेकिन ये जो टिप्स है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप फोटोशॉप में इस इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पर भी अपना पोस्ट को ऐड करते हो और अगर आप क्रिएटिव फोटो बनाने के अपना शौकीन है तो आप फोटोशॉप में बड़े ही आसानी से इस तरीके के इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे आप फोटोशॉप में बड़े ही आसान तरीके से ऐसे इफेक्ट को ऐड कर सकते हो अपने फोटो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास फोटोशॉप 7.0 वर्जन ओपन है। यहाँ पर हम अपना फोटोज को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपने फोटोशॉप में अपना फोटो को ओपन कर लिया है। लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे एक लेयर पैनल को ओपन करना पड़ेगा। विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद यहाँ से लेयर पैनल को एक्टिव कर लेंगे और कुछ इस प्रकार से लेयर पैनल आपका दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए यहाँ से आपके पास एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा। अब न्यू लेयर लेने के लिए यहीं पे टूल्स, यहाँ पे लेयर पैनल के नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ए न्यू लेयर का। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पास एक लेयर बन जाएगा। आप चाहे तो लेयर यहाँ से भी ले सकते हैं। मेनू बार में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे दूसरा लेयर बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट लेयर से ही काम करना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले कलर पे यहाँ पे सेट फोरग्राउंड कलर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ब्लू को सेलेक्ट कर लिया है और ब्लू सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे ब्रश टूल आपको दिखाई दे रहा होगा आपके टूल्स बार में। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रश का साइज यहाँ से आप 300-400 यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 300 ही ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक इसका साइज लेना पड़ेगा, जितना भी ब्रश का आप साइज लेना चाहते हो उतना आपको यहाँ पे, जैसे कि गोल आपको राउंडिंग में दिख रहा है, यहाँ से अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक डॉट ब्लू कलर का लग चुका है और कंट्रोल टी करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक और लेयर लेना है, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर का भी लाइटिंग इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे लेयर में ही क्लिक करेंगे और न्यू लेयर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोरग्राउंड कलर जो है इस पर आपको वाइट कर देना, यानी कि सॉरी इस पर वाइट नहीं, इस पर रेड कर देना है। और रेड करने के बाद आपको अभी फिर से ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे की साइड में एक आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे आपके पास एक रेड डॉट्स बन जाएगा। कंट्रोल टी करेंगे और इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ पे आपको शेडो क्रिएट हो रहा होगा, यानी कि देख रहे होंगे। तो अभी ये फाइनली लाइटिंग इफेक्ट नहीं है, हम आपको अंतिम में बताएंगे और रियलिस्टिक तरीका से ये देखने लगेगा कि हाँ ये रियलिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में मुझे एक LED वाइट कलर का देना है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा। अभी यहाँ पे हमारे पास न्यू लेयर बन गया है। अभी यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक ब्रश टूल को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर मुझे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वाइट भी एक डॉट्स बन गया है। कंट्रोल टी करेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको हम बड़ा कर देंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। हमने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया और अब मुझे एक्चुअली में जो वर्क करना है अभी आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पे ब्लू वाले को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया और थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर दिया और उसके बाद अब यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर में ही आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से सिंपल आपको लाइटन पे क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हो कि इसका यहाँ पे लाइटन इफेक्ट हमारा लग चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कुछ इस प्रकार से। अभी हम इसमें रेड वाले में भी हम लगा के देखते हैं, लाइटन इफेक्ट इसमें भी लगा देंगे, यहाँ पर देख सकते हो, और कंट्रोल टी करेंगे इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा साइज बड़ा हो चुका है और वाइट कलर जो है इसमें भी लाइटिंग इफेक्ट यहाँ से हम दे देंगे। जैसे कि सॉफ्ट लाइट हम लगा सकते हैं, सॉफ्ट लाइट या आप स्क्रीन कर सकते हो। तो मुझे फिलहाल यहाँ पे लाइटन ही लगाना है, तो लाइटन हमने लगा दिया। कंट्रोल टी करेंगे और इसका साइज यहाँ से देख सकते हो हमने बड़ा कर दिया और इसका ब्लू कलर जो है इसको भी यहाँ से हम बड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से हमने इसको रेड कलर को लगा दिया और वाइट कलर को यहाँ से कंट्रोल टी कर दिया और इसको छोटा कर दिया कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। हम अभी यहाँ पे इस लेयर पैनल में एक सेट बना करके दिखाता हूँ। एक एक लेयर को यहाँ से मैं इस पे इस सेट के अंदर रख देता हूँ मैं,
ठीक है। और अभी यहाँ पे जितना भी कलर्स हमने ऐड किया था लाइटिंग इफेक्ट, यहाँ पे हमने इस सेट के अंदर लगाया हुआ है। और अभी हम आपको कंपेरिजन करके दिखाते हैं, पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था और अभी लाइटिंग इफेक्ट देने के बाद कुछ इस प्रकार से है। अभी हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखिए पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था और अभी कुछ इस प्रकार से है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है अगर आप लाइटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं अपने फोटो में, तो आपका फोटो और ज़्यादा उभरा हुआ और एक नंबर एकदम क्लासिकल फोटो दिखाई देने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप फोटोशॉप में बेहद आसान तरीके से लाइटिंग इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं और अपने फोटो को क्रिएटिव बना सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं लाता रहता हूँ इसी प्रकार के वीडियो। अगर इसी प्रकार के वीडियोज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।